वास्वाद किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का तीखा बनारसी अचार। ये सर्दियों के दिनों में ही बनाया जाता है। ये खाने में तीखा, चटपटा और स्वादिष्ट होता है। इसकी खास बात ये है कि इसे हम बहुत कम तेल में भी बना सकते हैं। इसे धूप में 3-4 दिनों तक रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे ये लंबे समय तक टिका रहता है और कम तेल में भी खराब नहीं होता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं लाल मिर्च का अचार भरने के लिए हमें किन किन मसालों की आवश्यकता है। 2 चम्मच पीली राई दाल, 4 चम्मच सौंफ, 4 चम्मच सरसों पाउडर, 1 बाउल सरसों का तेल, स्वादानुसार नमक, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच दाना मेथी, 4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच मंगरेल, पिंच भर हींग। ये सब आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकती हैं। सबसे पहले हम दाना मेथी और सौंफ को एक साथ सेंक लेंगे, जिससे इसकी नमी निकल जाती है। मसाले को हल्का सा भूनने से इसकी नमी निकल जाती है। सौंफ और मेथी सीख गई है। अब इसको एक बाउल में निकाल के हल्का दरदरा पीस लेंगे। सौंफ और दाना मेथी को सेंक के दरदरा पीस लिया है। अब हम सारे मसालों को मिलाएंगे। एक बाउल लेंगे, दाना मेथी और इसको डाल देंगे। अब हम राई दाल डालेंगे, पीली राई दाल डाल देंगे, अब हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब हम अमचूर पाउडर डालेंगे। उसके बाद स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब हम अजवाइन को डाल देंगे और मंगरेल डाल देंगे। और पिंच भर हींग डाल के सबको अच्छे से मिलाएंगे। मसालों को अच्छे से मिला के इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी डालेंगे। और फिर सारे मसालों को और अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसाले मिलके तैयार हैं। अब हम मिर्ची को काट के उसमें इसे भरेंगे। अब हम सबसे पहले मिर्च की डंडी को काट लेंगे। ऊपर का हिस्सा थोड़ा ज्यादा काटेंगे ताकि इसका मुंह थोड़ा बड़ा हो सके और इसमें मसाला आसानी से भर सके। के बीज को ऐसे चाकू से गोल गोल करके निकाल लेंगे और जो इसका बीज होता है इसी में डाल देते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप इसे बीज में से काट के भी भर सकती हैं। सारी मिर्ची को मुंह से ऐसे करके काट लिया है और इसके सारे बीज निकाल के मसाले में मैंने डाल दिया है और इसको अब अच्छे से मिलाएंगे और फिर मिर्ची में भरेंगे। अब मिर्ची को भरेंगे, चम्मच से इसमें डालेंगे और एक स्टिक से इसको अंदर दबा देंगे। दबाने से मसाला अंदर चला जाता है और फिर थोड़ा मसाला इसमें और भरेंगे
जिससे पूरे अंदर तक मिर्ची मसाले से भर जाती है। मसाला इसमें अच्छे से भर दिया है दबा दबा के, अब इसे रख देंगे। इसी तरह से दूसरे मिर्च को भी भर लेंगे। दूसरी मिर्ची को भी दबा दबा के भर लेंगे। इसी तरह सारी मिर्चियों को भरेंगे और खूब अच्छे से दबाएंगे ताकि मसाला एकदम नीचे तक चला जाए। ये पतले वाले हिस्से से, स्टिक के पतले वाले हिस्से से भी इसको अंदर खूब बढ़िया से दबा देंगे तो मसाला एकदम नीचे तक चला जाएगा। इसी तरह से सारी मिर्ची को भर लेंगे। और अगर इस तरह भरने में परेशानी हो रही हो तो आप इसे बीच से ऐसे कट लगा लीजिए और इसको आराम से भर लीजिए। इसमें थोड़ा सा मसाला बाहर निकलने का डर होता है, इस वाली मिर्ची में मसाला नहीं निकलता है। ऐसे ऐसे दबा देंगे, उंगलियों से दबा देंगे इसे और भर के रख सकते हैं। सारे मिर्च में हमने मसाला भर दिया है, अब इसे तेल में डुबोएंगे। एक बाउल में तेल रख लिया है, अब इसको इस तरह डुबो के रखेंगे सारे मिर्च को। लाल मिर्च का चटपटा अचार बनकर तैयार है। अब हम इसे बढ़नी में डालेंगे। अचार को बढ़नी में डाल के 3-4 दिन के लिए धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने से अचार खराब नहीं होता है। कांच के कंटेनर में हमने सारे अचार भर दिए हैं। अब इसमें ऊपर से 2-4 चम्मच तेल डाल देंगे। ये अचार साल भर तक खराब नहीं होता है। लाल मिर्च का तीखा, चटपटा और स्वादिष्ट बनारसी अचार बनके तैयार है। इसे आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको लाल मिर्च का बनारसी अचार कैसा लगा।